मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कल आज और कल कल भी आर्यन के बेल पर सुनवाई हुई, आज भी हुई और कल भी होगी। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ ड्रग्स का मामला चल रहा है और उस तरफ धर्म के अखाड़े पर एक अलग जंग नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने छेड़ दी है। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ राज्यसभा सांसद शिवसेना की जुड़ रही है। उज्ज्वल निकम साहब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी के, एंड्रिया डिसूजा एक्टर और एक्टिविस्ट, मुनीश भल्ला फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका जी मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि देखिए ये केस एक तरफ कोर्ट में चल रहा है, एक ट्विटर पर अलग मामला खोला हुआ है नवाब मलिक ने। ये समझ नहीं आ रहा कि उनके मुस्लिम क्रेडेंशियल्स या धर्म को लेकर पूरी ये जो जंग वो छेड़ रहे हैं इससे क्या वो साबित करना चाह रहे हैं। एक्चुअली जो बात बोली जा रही है वो धर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वानखेड़े जी, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होता है, SC ST कैटेगरी होता है। SC ST कैटेगरी रिजर्वेशन क्यों आया था इस देश में? इसलिए आया था क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के लोग जो देश की तरक्की हो रही थी उसमें कहीं पीछे रह रहे थे। अब आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में आपके फादर का नाम दाऊद वानखेड़े है, आपकी मदर का नाम कुछ है, आपका सन का, यू कैन नॉट बी फूलिंग अराउंड विद द बर्थ सर्टिफिकेट, है ना। मैं मानती हूं कि हमारे बच्चों के हमने लिखा होगा, हमने सारी डिटेल्स लिख कर दी होंगी। रही बात निकाहनामा की, निकाहनामा में भी आप अगर लिख रहे हैं आपके ना हमने ध्यान ही नहीं दिया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर मुस्लिम वेडिंग्स, इट इज़ अ मैरिज सर्टिफिकेट, एंटाइटल लीगल सर्टिफिकेट होता है शादी का, उसमें कोई भी डिटेल्स तो भरी नहीं जा सकती हैं। पर आपने ये सब बदल कर, आपने महार कम्युनिटी का अपने आप को बताकर, कोई दिक्कत नहीं है आप मुस्लिम हो, किसी को देश में दिक्कत नहीं है मुस्लिम हो, पर आप अपने धर्म परिवर्तन कर दीजिए, आप अपने आप को महार कम्युनिटी का SC ST में डाल दीजिए कैटेगरी में, फिर आप UPSC एग्जाम्स लें और फिर आप IRS में लगे। तो अगर आपकी शुरुआत ही करियर की फौज डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है तो सवाल या निशान पूछ रहे, इससे धर्म जाति का आधार नहीं है, एक रिजर्वेशन कैटेगरी है जिसे राइट पीपल जो सच में प्रताड़ित हैं, जो सच में पिछड़े हैं, उनको हेल्प करने के लिए रिजर्वेशन लाया गया, उसको मिसयूज कर बर्थ सर्टिफिकेट पे के बाद एक अलग कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर, तो सवाल या निशान पूछेंगे तो इसमें कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। और ये कोई इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है कोर्ट में उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई गलत आधार दिए हैं तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। आज ये सभी के लिए लागू होता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं, जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर SC ST का कर आए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आए हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए। अगर गलत होता है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको फिर से रीइलेक्शन के लिए 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, ये सच्चाई है। तो ये तो एवरीवन हैज टू गो थ्रू इट, नॉट जस्ट हिम। ठीक है, उज्ज्वल निकम साहब मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूंगी, क्या है ये एक अलग मामला है जिसमें नवाब मलिक रोज सुबह उठते हैं, उनका एक नया कोई ना कोई एफिडेविट बर्थ सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, उनके क्रेडेंशियल्स पर सवाल है और उसका सच तो सामने आना ही चाहिए, लेकिन क्या इससे जांच भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है? क्योंकि अब जो एलिगेशन है उसके बाद एक विजिलेंस इंक्वायरी भी बैठ गई है समीर वानखेड़े से, पर यह पूरा केस आप किस तरह से जाते देख रहे हैं, पॉलिटिकल हो रहा है? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं दुख से ये बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप हो रहे इस मैटर में, जांच एक अलग तरह से भटकती जा रही है। मैं मानता हूं कि जो भी लोग आरोप करते हैं उस आरोप में कुछ सब्सटेंस भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल ये है अगर आरोप हो रहे हैं तो आरोप के लिए कौन सा प्रॉपर ये होगा, फोरम होगा कि जिसमें रेक्टिफाई किया जाता है, जिसमें ग्रीवेंस मान सकते हैं? क्या मीडिया यही एक दरिया है? देखिए, ये जज इससे जरूर प्रभावित होते हैं। मैं कोई सियासत की बात नहीं करूंगा, ना मुझे करना ही चाहिए, लेकिन एक कानून का विद्यार्थी की हैसियत से प्रियंका भी समझ सकती है कि कानून के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप से, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे जांच अधिकारी हो, जो पर्सनल अटैक कर रहे, मुझे लगता है कि इससे जांच पर एक बुरा असर हो सकता है। देखिए, आज कई दिनों से जांच भटक रही है। देखिए, जांच अधिकारी की अगर उसमें अपने सब्सटेंस है तो इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इस तरह से पब्लिकली आरोप होना और उस तरह से जांच अधिकारी भी पब्लिकली मीडिया के पास जाके उस आरोपों को जवाब देना, मुझे लगता है कि यह पर्सनल मैटर हो गया। और इस तरह से पर्सनल मैटर से टिका टिप्पणी से
सबने बचना चाहिए ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि एक बॉलीवुड से मैटर जुड़ा हुआ है, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इसलिए अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसमें इंटरफेयर किया जाए। जांच अधिकारी के खिलाफ अगर जांच आरोप गंभीर आरोप है तो उसे जांच से थोड़ा टाइम दूर रख सकते हैं, दूसरा जांच अधिकारी भी नियम सकता है, ताकि किसी को ग्रीवेंस नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं होता है तो मुझे लगता है कि न्यायालय ने भी जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर इसमें खुद कॉग्निजेंस भी लेना चाहिए ताकि जांच किसी नहीं प्रभावित हो। प्रियंका जी, इस पर आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि जांच प्रभावित हो रहा है और वो दिख रहा है। दूसरी तरफ मेरा बीजेपी के जो मीडिया सेल के अमित मालवीय, अच्छा, उन्होंने ट्वीट किया है कि चूंकि उनके फैमिली मेंबर को टारगेट किया जा रहा है ड्रग्स की वजह से, इसलिए नवाब मलिक ने पर्सनल एजेंडा बना लिया है समीर वांखड़े के खिलाफ। अगर पर्सनल एजेंडा भी आप देख लीजिए, और एक तो सबसे पहले उनके परिवार में जिसको भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसी तरीके से चार्जशीट भी नहीं प्रूव हुई है, वही है जो हाल डेढ़ साल पहले इंडिविजुअल हाई प्रोफाइल केसेस का हो रहा था। आप उज्जवल जी बोल रहे हैं कि ये मीडिया पे आकर नहीं बोलना चाहिए, आई टोटली अग्री विद हिम। व्हाट्सएप चैट लीक हो जाती हैं, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पूरा केस बन जाता है, इम्मा बाउंस हो जाता है बाउंस चेक, 59 ग्राम्स ऑफ कोकेन का डिस्कशन हो जाता है कि कंज्यूम भी कर लिया, पोजेशन में भी था, ये व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन, ये लीक कौन कर रहा है? कल पूरा दिन आपके चैनल पे चल रहा था अनन्या पांडे और आर्यन खान की जो कॉन्वर्जेशन चल रही थी, आज बकायदा हाई कोर्ट में एक जो अक्यूज्ड है उन्होंने दलील दी है कि ये कोई भी हाई कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं एज एविडेंस। तो यहाँ पर जो चल रहा है पब्लिकली, बार बार पब्लिक का हवाला दे रहे हैं कि पब्लिकली नहीं डिस्कशन होना चाहिए, अगर कहीं भी गलत है आप बर्थ सर्टिफिकेट से ले लीजिए, निकाह नामा से ले लीजिए। आई थिंक समीर वानखेड़े पे एनसीबी ने खुद ने एक जांच बिठाई है, और अगर उनकी फैमिली के साथ कोई डेफिमेशन हो रहा है, कोई गलत झूठे आरोप लग रहे हैं, बकायदा उनको कोर्ट में जाना चाहिए और सुओ मोटो इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सवाल बस ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक ही रहे हैं इन सारे हाई प्रोफाइल केसेस में, और अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आज तक एक चार्जशीट इन लोगों के ऊपर नहीं दाखिल कर पाए, सिर्फ मीडिया के माध्यम से अपना केस बिल्ड कर पाए, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। और जवाबदेही सिर्फ इस ऑफिसर की बात नहीं है, जवाबदेही देश को देने की बात है कि एनसीबी बॉडी जो ड्रग माफिया को कॉन्कर करना है, ड्रग माफिया को खत्म करना है, अगर वो एक चार्जशीट भी नहीं फाइल कर पा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, उस कमियां को एड्रेस करो, कमियों को एड्रेस करो। ठीक है, मीडिया माध्यम बनी है किसके लिए, शुरुआत कहां से हुई, माध्यम किसके लिए बनी? मुनीश भल्ला जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूं। जी, केस तो एविडेंस के साथ कोर्ट में बनेगा ना, व्हाट्सएप चैट मीडिया के जरिए सामने करना, और ये फिल्म स्टार्स होते हैं जिनका बहुत कुछ स्टेक पर होता है, पुराने उनके चैट्स लीक करके, क्या यहाँ पर मीडिया के जरिए सिर्फ कीचड़ उछालने की मुहिम तो नहीं है? ये सवाल है उनका। अंजना जी देखिए, ये जो आपके चैनल से भी दिख रहा है कि व्हाट्सएप चैट्स कुछ लीक हो गई हैं, अब ये लीक हुई हैं किसने कराई हैं क्या है, वो तो एक विषय अलग है पूरा, ठीक है। कोई ऑफिसर लीक करता है नहीं करता वो एक अलग विषय है। विजिलेंस का एक पूरी टीम जो है इन ऑफिसर्स की इंक्वायरी कर रही है, स्पेशली जो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी, तो वो तो एक अलग जांच का विषय है पूरा, ठीक है। मुझे जो फील हो रहा है, मैं काफ़ी दिन से हर एक चैनल पे देखता हूँ, बोलता भी हूँ, पर मुझे अब ये फील हो रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, ये बहुत ऑड सिचुएशन है। तीन चीज़ें मेरे को लग रही हैं, तीन या चार चीज़ें। एक, पहले तो एक एक्स एनसीबी ऑफिसर होने के जो मेरा, मुझे ये बहुत दुखद लगता है कि जिस तरह से पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं फैमिली पे, ठीक है। एट द सेम टाइम द फंक्शनिंग ऑफ एनसीबी पे भी आज एक मैं कहूँगा कि डेफिनेटली देर इज अ डैमेज ऑन द इमेज ऑफ द एनसीबी। मैं आज बड़ा खुल के बोलूंगा इस पे कि जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो अभी इतनी बातें आ रही हैं बाहर कि शायद विटनेस की जो बात करें, अभी कोर्ट में तो भले उसको साइड पर रख दिया, एक विटनेस का एंगल है, एक विजिलेंस का एंगल है, एक पर्सनल अटैक्स का एंगल है, आपका स्मॉल क्वांटिटी का एंगल है, बहुत से एंगल्स हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की इमेज डैमेज हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं ना कहीं इसके अंदर देर इज मोर देन व्हाट वी कैन सी टू द आई, कोई पीछे का एक बात और ऐसा अलग सी चल रही है जो हमें समझ नहीं आ रही कि क्या पॉलिटिकल रीजन है, क्या उसके पीछे कारण है कि कितना प्रेशर क्यों बिल्टअप किया जा रहा है, और क्या इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन या ऐसे बहुत से केसेस जो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं उनको डीरेल करने के लिए तो ये नहीं हो रहा,
क्योंकि आप देखिए कोई एक केस तो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा होगा, बहुत से केस पैरेलल इन्वेस्टिगेट होते हैं, बहुत से ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, हर एक लेवल पे ऑफिसर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि कोई डीरेल भी हो रहे हैं केसेस। नेचुरली अगर कोई पब्लिक प्रेशर में या पॉलिटिकल प्रेशर में या पर्सनल प्रेशर में कोई है तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा, वो ऑफिसर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो सारा दिन अपना को डिफेंड ही करता रहेगा। तो विजिलेंस एंगल से अगर कोई इंक्वायरी बार इमिजिएटली निकलती है और अगर लगता है कि ऑफिसर को इससे थोड़ा सा साइड पर रखना चाहिए तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो करना भी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, बट इसमें ईगो भी नहीं आनी चाहिए, मुझे अब ये फील होता है ईगो भी नहीं आनी चाहिए। तो मेन तो इन्वेस्टिगेशन डिरेल नहीं होनी चाहिए, एनसीबी की एक इमेज का भी सवाल है और क्लैरिटी पब्लिक तक आनी चाहिए। जहां तक मीडिया ट्रायल्स का सवाल है या मीडिया में बहुत सी चीज़ें बात कर रहे हैं सब लोग, उससे भी बचना चाहिए। ये काम ऑफिसर्स का भी नहीं है मीडिया में आना, और अगर कोई आप पे एलिगेशन लगाता है तो ठीक है आप उसको अलग से डील कर सकते हैं, पर मीडिया में आना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मीडिया में चेहरा करना अपना ठीक नहीं है, ये मेरी पर्सनल व्यूज़ हैं। जहाँ तक हाईकोर्ट का सवाल है, अभी हम देखेंगे कल क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा लंबी चर्चाएं चल रही हैं, उसमें बहुत से एंगल्स हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली ये ना तो मीडिया में होना चाहिए, ना जो डिफेम हो रहा है डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट की इमेज खराब हो रही है उसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से जो भी इनको करना चाहिए डिपार्टमेंट को, उसको इमीडिएटली करना चाहिए। ठीक है, चार पांच बड़ी बातें आपने कही, एक तो फैमिली पर अटैक सही नहीं है, पूरी जांच को डिरेल करना सही नहीं है, ऑफिसर को बदलने की जरूरत है तो सोचना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, क्योंकि उसकी छवि का भी सवाल है। राजीव पांडे जी, सवाल यह है कि शुरू से आरोप यही लग रहा है कि एनसीबी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां बनी है। अब गोसावी की वो सेल्फी नहीं आती सर, तो इतना बड़ा बवंडर भी नहीं बचता, वहीं से पूरी कड़ियां जुड़ती चली गई। मिस्टर पांडे, अंजना जी, अभी उज्ज्वल निकम साहब जो हमारे सीनियर हैं वकालत में, और जो मनीष भल्ला जी ने जो कहा कि इस ऑफिसर को हटा देना चाहिए, मुझे लगता है कि जो माफिया लोग हैं अगर इनको अभी हटाया गया तो लगेगा कि देखिए हमारे प्रेशर के कारण से इनको हटाया गया। अगर समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई सबूत लेकर के नवाब मलिक साहब आए, पांडे जी कौन माफिया लोग, माफिया मैं बता रहा हूँ, जो लोग जो देश में जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये माफिया ही है ना। आप मुझे मेरी इतने देर के बाद मुझे बोलने के लिए दे रहे हैं तो दो मिनट विदाउट इंटरप्शन बोलने दीजिए, बड़ा ही सीरियस सब्जेक्ट है। बोलिए बोलिए, गुस्सा। एक तो पहली बात, अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा कि चार्जशीट नहीं हुआ, अरे आप इतने बड़े चैनल पे बैठे हैं, चार्जशीट हुआ है उनके बेटे पर, 8 महीने जेल रहे हैं। अगर किसी अक्यूज पर चार्जशीट नहीं होता है तो मैक्सिमम 6 महीने में भी टेरर चार्जेस में भी बेल हो जाता है, डिफॉल्ट बेल बोलते हैं उसको। तो पहले ये झूठ मत बोलिए कि नवाब मलिक के बेटे पे चार्जशीट, दामाद पे चार्जशीट नहीं हुई, उस पर चार्जशीट हुई है, केस चलेगी। और बेल मिल जाने से कोई आदमी बरी नहीं होता है। उज्ज्वल निकम साहब यहाँ है, कई डिबेट में हम साथ बैठे हैं, वो बता देंगे आपको। दूसरी बात बार बार आ रही है कि समीर वानखेड़े की जाति क्या है, धर्म क्या है। यशुदास का एक जजमेंट है, फिर मैं निकम साहब से चाहूंगा, क्योंकि वहां इंडिपेंडेंट वॉइस है, ये भी मैं चाहूंगा कि प्रियंका जी उस जजमेंट को पढ़े। उसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति, यशुदास बाय बर्थ ही वाज अ मुस्लिम, ही फाइल्ड अ पिटीशन कि आई वांट टू बिकम हिंदू। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपने आप को डिक्लेयर कर ले आज एक नॉन हिंदू कि मैं कल से हिंदू हूं, तो वो हिंदू है, क्यों उसके धर्म की बात हो रही है, महाड़ है कि कौन सा। यानी आज जो उनके परिवार पे हो रहा है, अगर मैं उनका वकील होता तो मैं SC ST एक्ट में जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ये सारे लोग जो उसके जाति के बारे में बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, रोहित विमोला का एक प्रकरण हुआ था जिसमें उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रोहित विमोला की माताजी जो थी वो दलित समुदाय से आते थे और उनके पिताजी ओबीसी समाज से आते थे, लेकिन उनकी माता ने कहा कि हमारा बेटा दलित है तो दलित है। मेरा कहना, ये पिछड़े की बात कर रहे हैं, SC ST और पिछड़ा में अंतर लोगों को पता नहीं है, आपके चैनल पे बैठ करके पिछड़ा बताते हैं, SC ST बताते हैं। मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति SC ST समाज किसी भी कारण से अगर धर्म उसने बदल लिया है और अगर वो वापस अपने धर्म में आना चाहता है, तो मैं पार्टी के तरफ से और एज ए लॉयर मैं चाहता हूं कि उन लोगों को SC ST रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी आप इस हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन किया, उसके पीछे या तो डिसीट था या तलवार थी। तो ये इस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मसला चल रहा है, पता नहीं हम किस किस डिबेट में जा रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो भी हो रहा है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में, ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, देश के नामी गिरामी वकील एक्स अटॉर्नी जनरल साहब आर्ग्यू कर रहे हैं, जो भी होगा वो एज पर लॉ होगा।
किसी का दबाव से कोई बात नहीं चलने वाली है, किसी का दबाव। देखिए आप सुन लीजिए, देखिए इसमें कैसा केमिस्ट्री है, जरा देखिए और इनके लाइन को देखिए। नवाब मलिक बोलेंगे, अबू आजमी बोलेंगे, इमरान प्रताप गढ़ी बोलेंगे, क्या भाई वोट पर दबाव बनाओगे क्या? एक दलित पर दबाव बनाओगे? एक दलित को कुचलने की कोशिश करोगे? हिंदुस्तान ने न तो 47 का है कि अपने लिए देश बांट दो, न तो ये 75 का है कि तुमको हम जेल में डाल देंगे इसलिए कर लो, न 84 का है कि 10,000 सिखों की हत्या कर देंगे। कुछ देश बदल चुका है, थोड़ा आप भी बाहर आइए कोर्ट में। मैं एक बात लास्ट लाइन बताता हूं, देश के जो अभी गृह मंत्री को आपने चार्जशीट किया था, क्या किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बोला? आपने देश के प्रधानमंत्री जो भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, 18 घंटे आपने इन्वेस्टिगेट किया, क्या किसी ने उसकी बीबी माँ के धर्म और जाति के बारे में बात की? मेरा यह कहना है अंजना जी, इस देश में हमको इन्वेस्टिगेशन, क्या हम सारे सारे इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे? ठीक है, हलफनामा दिया है सरकार ने और उसके मुताबिक एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन पेगासस मामले में किया गया है। संबित पात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए जवाब दरअसल देते हुए, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर जल्दी से आपको हम कोर्ट रूम में जो दलीलें दी गई हैं वो दिखा दे रहे हैं, क्योंकि आर्यन के वकील ने जब कहा ड्रग्स नहीं मिला, इसी के साथ मुकुल रोहतगी ने बहुत सारी बातें कही, अमित देसाई ने, आखिर इन तीनों के बीच में कोई आपके पास व्हाट्सएप चैट नहीं है, तो ये तीनों साजिश के तहत गए थे वहां पर, ये आपने कैसे साबित किया? आरोपियों से संबंध नहीं है, ये आर्यन के वकील ने कहा है। और इधर एनसीबी वही दलीलें दे रही है जो पहले सेशंस कोर्ट में दी, हम वही बता रहे हैं। आर्यन के वकील ने कहा कि इनका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है, मुकुल रोहतगी ने यह बीते दिन कहा था। गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है, आधार बताइए, यह भी मुकुल रोहतगी ने कहा था। ड्रग चैट पुराना है, तब विदेश में थे और ऐसे देश में थे जहां पर इस तरह की जो ड्रग्स है उसको मान्यता है, वहां पर ली जा सकती है, कानूनी है। गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई है, जो कि संविधान के तहत अधिकार है, गिरफ्तारी के बारे में बताना पड़ता है संविधान के तहत कि आपने किस मामले में किस वजह से गिरफ्तारी की, ये उस वक्त नहीं बताया गया। पंचनामे में फोन जब्ती का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि इन लोगों के फोन जब्त कर लिए गए हैं, ड्रग्स नहीं मिला है आर्यन के पास, साजिश आपने कैसे प्रूव किया? आज अमित देसाई ने भी यही पूछा कि आप साजिश कैसे प्रूव कर रहे हैं, आप एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ उनके पुराने चैट को सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कोर्ट से यही पूछा था मुकुल रोहतगी ने कि क्या व्हाट्सएप चैट को, एक ऐतिहासिक फैसला होगा, क्या व्हाट्सएप चैट को एज इट इज प्रमाण के तौर पर कोर्ट मानता है, इस पर आप स्पष्ट अपनी बात कीजिए। लेकिन प्रियंका जी जो कह रहे थे, राजीव जी उसका जवाब दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि अनेकों मामले हुए हैं, हाई प्रोफाइल मामले हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री तक का नाम लिया। वो कहा तब तो कौन सा अधिकारी था, उसकी क्या जात थी, कौन से धर्म का था, ये बातें नहीं होती थी, लेकिन अब जब भी कोई केस आए तो फिर उस अफसर पर ही हमले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो शादी का निकाहनामा है या बर्थ सर्टिफिकेट है, ये बातें पहले नवाब मलिक को निकालने की नहीं आई थी, जब से फंसे या फिर जांच सामने आई ऐसी हाई प्रोफाइल तभी सामने आ रहे हैं। प्रियंका जी, राजीव पांडे जी से पूछ लीजिए, वो जस्टिस लोया के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं या वरना उनको बाद में बता भी दूंगी। एक 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 बीजेपी के सीनियर लीडर थे, वॉक करते हुए उनका मर्डर हो गया था, जरा उनके बारे में भी पढ़ लीजिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये अमित शाह जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एनसीबी के अस्तित्व की है, एनसीबी की जो क्रेडिबिलिटी की है, एनसीबी की रिस्पेक्टेबिलिटी की है। और हमारी सबसे बड़ी चिंता देश की होनी चाहिए नार्को टेररिज्म को लेकर, जिस पे कोई काम नहीं हो रहा है। आज तक हमारे एनसीबी में कोई फुल टाइम डीजी नहीं है, एडिशनल डीजी पिछले 2 साल से काम चला रहे हैं, शुरुआत राकेश अस्थाना से हुई थी, अब जैन साहब कर रहे हैं। तो अगर सीरियसनेस होती इस इशू को लेकर तो बात करते। रही बात पांडे जी ने एक और बात कही, इन पे मैं SC ST एक्ट लगा देता। अरे भाई साहब, SC ST एक्ट लगना है तो सबसे पहले आप सभी पे लगेगा, क्योंकि आपने रोहित वेमुला जी का नाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं ने आकर क्या क्या नहीं कहा था रोहित वेमुला के बारे में। SC ST एक्ट तो आप लोगों पे सब पे लगना चाहिए, सब जाएंगे जेल में। ये बात सच्चाई वही है कि आप लोगों ने उनकी आइडेंटिटी को नकारने का काम किया था। अब रही बात तीसरी, कहीं भी तथ्य गलत हो, जो नवाब मलिक जी ने खुद ने कल आपके शो टेलीविजन चैनल पे आकर, इंग्लिश टेलीविजन चैनल पे आकर कहा, कोई भी उन्होंने तथ्य अगर पेश किए हों, गलत हों,
तो वो इस्तीफा देने को तैयार है, वो कोर्ट ऑफ लॉ फेस करने को तैयार है, उन्होंने सेक्शन भी बताई, धाराएं भी बताई, 499 500 हैं, वो लगा दें और इंस्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तो कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को रोज ले आया करिए समीर वानखेड़े का डिफेंस करने के लिए। आप उनकी सिस्टर को लेकर आ रही हैं, भाई फादर को लेकर आ रही हैं, उनकी वाइफ को लेकर आ रही हैं, इससे अच्छा काम तो बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं उनके लिए, तो बीजेपी के प्रवक्ता करते रहे। और जो भी हमें जवाब चाहिए वो जवाब, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर एनसीबी है, एनसीबी जवाब देगी। रही बात जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन करप्शन के मामले पे चल रहा है, ना कि उनके जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। मैं चाहूंगी कि एनसीबी उस पे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। एक बार एंड्रिया डिसूजा बोले, फिर पांडे जी आ रही हूं आपके। एंड्रिया जी एक बार बोले। अरे रुके 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 एंड्रिया, मैं लूंगी आपसे रिस्पॉन्स लूंगी, रुक जाइए एक सेकंड। एंड्रिया डिसूजा, अंजना जी पिछले साल ये जो आरोप लग रहे थे एनसीपी पे, हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, एक बार फिर से रिकनेक्ट कराना पड़ेगा, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। जल्दी से पांडे जी अपनी बात बोलिए, फिर उज्जवल निकम साहब और मोनिशी के पास जाएंगे। बस 30 सेकंड। प्रियंका जी के मेमोरी पर मैं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 11 जुलाई 2018 को जस्टिस लोया के केस में जो फाइनल अपील है, बहुत बारे लोग गए, वो राहुल गांधी को कोई काम नहीं था उस समय, अभी भी नहीं है, तो बहुत बारे लोग दौड़ भागा करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी तो मुझे नहीं पता। और जो सबसे बड़ी बात है, उस समय शिवसेना की जो पार्टी थी ना, वो उनका हमारे साथ अलायंस था महाराष्ट्र में भी और देश में भी। जरा जा करके प्रियंका जी अपने नेतृत्व से पूछ ले कि उनका क्या कहना है। मैं जस्टिस लोया की बात पर आगे नहीं बोलूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो मैं किसी को मानता नहीं, तो किसी आदमी का क्या जवाब देना। अब आता हूं, उन्होंने कहा है कि एक मिनिस्टर की हत्या हो गई थी, उसमें मेरे हिसाब से 2-3 लोगों को कन्विक्शन हुआ है, मुझे नाम याद नहीं, कोई ऐसे ही मोहम्मद मोहम्मद करके था, जिन लोगों को कन्विक्शन हुआ है। आप अपने बैक टीम को पूछ लीजिए कि उस मर्डर केस में जो बीजेपी के मंत्री की जो हत्या हुई थी, उसमें लोग जेल में हैं, जो मेरे पास है, क्योंकि अभी मैं वो तैयारी करके तो आया नहीं था, लेकिन 2-3 लोग थे, वो मोहम्मद कोई सलीम फलीम टाइप आदमी था जिन्होंने हत्या की और वो जेल में है। मेरा ये कहना है अंजना जी, प्रियंका जी क्या बात कर रही है, लोया के केस पे इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया इन लोगों ने, सरकार क्यों नहीं छोड़ दी उस समय देवेंद्र फडणवीस जी की और मोदी जी की सरकार सेंटर से। 2018 की बात को अभी लोया की बात को ला रहे, देखिए बात केवल इतना है, देश में सरकार आएगी जाएगी, पार्टी रहेगी नहीं रहेगी। मैंने पूरे डिबेट में एक बार भी नहीं कहा कि आर्यन खान के केस का, आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मुझे पता है उसका मेरिट केस है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सेशन कोर्ट वो देखेगी। मेरा कहना है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसका अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका बेटा 8 महीना जेल रह के आया गांजे के केस में, उस आदमी को ये ठीक लगता है क्या? मैं तो उद्धव जी कमेंट उज्जवल निकम साहब करूंगा जी, उज्जवल निकम साहब इस पर आपका कमेंट। अंजना जी, जहां भी आपके डिबेट के पार्टिसिपेंट ने जो भी बात कह रहे, बहुत पॉलिटिकल सियासत की बात हो रही है, उसमें मैं नहीं गिरना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आजकल मैं देख रहा हूं, और शायद राजीव जी भी मान लेंगे, प्रियंका भी जी कहेंगे, और भल्ला जी आप भी एक भूतपूर्व अधिकारी है, तो आपको तो इस बात का जरूर पता है कि जिस प्रकार सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन चलता है उसके इनपुट्स डिटेल्स बाहर कैसे लीक होते हैं, नंबर वन। नंबर दूसरा एक बात है, कानून ये कहता है कि पंच विटनेस लेना है तो रिस्पेक्टेबल ऑफ दैट लोकेलिटी चाहिए। ऐसी कौन सी मुसीबत गिरी थी कि जिस प्रकार पंच विटनेस आरोप को अपने साथ में लेके आते हैं, और इस प्रकार एक कॉमन मैन के मन में एक शक पैदा होता है। जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट अपीयर्स टू हैव बीन डन, ये हमारा कहना है कानून का विद्यार्थी के। और इसीलिए जो सावधान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बरतनी चाहिए थी वो बरतनी भी नहीं बरती नहीं। जी आप सभी का बहुत धन्यवाद, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन आपको बता दें कल फिर सुनवाई होगी और उसके बाद ही तय होगा जमानत मिलेगी या नहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को। फिलहाल तो ये कीचड़ और ये पूरा का पूरा जिस तरह से मामला बढ़ता चला जा रहा है, सीधा मामला और बहस आधी समीर वानखड़े और उनके ऊपर लगे आरोपों पर हो जाती है। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे की जमानत पर सुनवाई आज भी हुई, कल भी हुई थी और कल भी होगी।
तीन दिन अभी सुनवाई उनकी जमानत पर हो रही है, उसके बाद फैसला उस पर आएगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।